जैसा कस्टमर आया, जैसा उसके पास चीज है, इस मशीन से वो चीज बना के दे देगा। बिल्कुल, उसका बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल है या रिटेल है, उनको एक चैलेंज जरूर आता है कि किस तरीके से एक छोटा सा सेटअप लगा के आप अपने काम को आसान भी बना पाएंगे और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा पाएंगे। इसकी कीमत भी कम है। आज हम एक छोटी सी मशीन लेकिन बड़े बड़े कारनामे करती है और बहुत ही अच्छे समस्याओं का हल करने वाली मशीन है। दोस्तों, आज आपको सामने एक छोटी सी मशीन दिखाई दे रही, मगर इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। आप अलग अलग तरह के डिवाइस के अंदर इसे आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये एक प्रॉब्लम को सोल्व करती है। किस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करती है? आपके पास पहले आपका जो प्रोडक्ट था उसका स्टॉक डेड हो जाता था, आप क्वांटिटी काफी ज्यादा मंगा लेते थे, बिकता कम था, तो उस वजह से आपको लॉस देखने को मिलता था, उसको ये कवर कर सकती है। साथ में कई बार कस्टमर ऐसी चीजें लेके आता था जो आपके पास नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कम चीजें होती थी जो कम बिकती है, मगर वो इस मशीन के द्वारा बनाई जा सकती है। और इस शानदार कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए मैं चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आ चुका हूं और यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटा सा सेटअप लगा के आप अपने काम को आसान भी बना पाएंगे और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा पाएंगे। इसकी कीमत भी कम है और साथ में जब आप दोबारा से रॉ मेटेरियल के लिए ऑर्डर करेंगे तो आपको 1000-2000 रुपए का भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक ब्लेड होता है, वो ब्लेड आपको चेंज करना पड़ता है 200-300 प्रोडक्ट बनने के बाद वो भी। और शायद ये वीडियो आप हमारे चैनल पे या शायद यूट्यूब पे आप पहली बार देखने को मिलेंगे और ये जो है आज के टाइम में ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया के तौर पे आप कह सकते हैं। हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपने एक बार तसल्ली रिसर्च जरूर करें, अपने आसपास की मार्केट को देखें, कंपनी को विजिट करें, आपका पूरा 100% होने के बाद तभी आप आगे का कदम बढ़ाएं, क्योंकि पहले आपकी तसल्ली जरूर। हमारा काम आपको इंफॉर्मेशन देने का है, आप अपनी तसल्ली जरूर करें, आपकी आसपास मार्केट क्या है, डिमांड क्या है, उसके बाद आप बिजनेस के आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो में आगे चल के इसका पूरा डेमो दिखाएंगे, क्या क्या प्रोडक्ट ये कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दीजिए। नमस्कार नमस्कार सिकले इंडिया के सभी दर्शकों को, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, कंपनी का नाम सनशाइन टेलीलिंक, जो चेन्नई में रिची स्ट्रीट माउंट रोड में नियर इंडियन बैंक के बाजू में है। कितने साल पुरानी कंपनी? अपनी कंपनी पिछले 15 से 16 साल से मार्केट में है। ठीक है, तो सर आज इस वीडियो के अंदर हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं? आज ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज हम एक छोटी सी मशीन लेकिन बड़े बड़े कारनामे करती है और बहुत ही अच्छे समस्याओं का हल करने वाली मशीन है। तो आओ चलो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं। तो सर आज जैसे कि आपने बताया ये प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। बिल्कुल, तो वो क्या प्रॉब्लम है पहले वो बताइए, फिर चलो जरूर। जैसे अगर कोई बंदे अपने मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल है या रिटेल है, उनको एक चैलेंज जरूर आता है। सपोज कोई कस्टमर फोन लेके आया, उसको बोलेंगे टेम्पर ग्लास चाहिए मेरे पास, क्लियर चाहिए, मैट चाहिए, एंटी ब्लूरे चाहिए, या उसका कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। उस एक ही टेम्पर को आपको चार वेरायटी रखने की जरूरत नहीं है इस मशीन अगर आप रख रहे हो तो। अगर आपके पास वो वैरायटी नहीं है जो कस्टमर पूछ रहा है तो वो कस्टमर खाली जाएगा, आपको बैक केस पूछेगा, बैक केस में अगर उसको जो वैरायटी चाहिए वैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा तो कस्टमर आपका लॉस होगा। वो लॉस ना हो, आपका इन्वेंट्री भी खराब ना हो, आपको डेड स्टॉक भी ना हो, आपका कस्टमर भी खराब ना हो, उसके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने एक ये मशीन डेवलप की है और बहुत ही अच्छे से ये मशीन का परफॉर्मेंस भी है। ठीक है, डेड स्टॉक का मतलब ये है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने किसी ने मान लीजिए आईफोन के काफी सारे गार्ड रख लिए मोबाइल के, बीके 10 उसके 90 खराब, बिल्कुल, तो वो भी उसे रखने की जरूरत नहीं है। जैसा कस्टमर आया, जैसा उसके पास चीज है, इस मशीन से वो चीज बना के दे देगा, बिल्कुल, गार्ड की समस्या ही खत्म है। बिल्कुल, तो किस किस चीज के गार्ड इसे बना सकते हैं दिखाइए। बिल्कुल सर, आइए सर, क्लोजअप लीजिए सर एक बार, ये देखिए। जैसे ये मशीन है, मशीन के अंदर अपन मोबाइल फोन, टैबलेट, वॉचेस, हेडफोन, एक मिनट ऑडियंस को क्लियर करेंगे, मोबाइल फोन के गार्ड मतलब स्क्रीन के ऊपर जो गार्ड लगता है, बैक में लगता है, वो सारी चीजें बना सकते हैं इससे। और उसमें ओ, अच्छा इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, एक भी कंपनी नहीं है जैसे वो छूट जाए। दोस्तों सपोज आपको मोबाइल, कोई आपके पास कस्टमर आ गया, उसके पास है एप्पल का फोन, उसने एप्पल पे क्लिक किया, उससे पूछा आपने कौन सा आपके पास ब्रांड है, मॉडल है, तो उसने बताया 13 प्रो है, 13 प्रो का उसको क्या बैक का करवाना है, फ्रंट का करवाना है, वो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, बैक फिल्म मोबाइल फोन का या फ्रंट का
या कैमरे का, जैसे कैमरे का करना है तो इस पर कैमरे पे क्लिक कर दिया, लेंस का आ गया ये, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब ये अभी पहले आप क्या करते थे, गार्ड रखते थे, अब यहाँ पर सिर्फ फिल्म को रखना है और इसी शेप के अंदर ही आपके गार्ड कट होके आ जाएंगे। बहुत शानदार। बैक कीजिए और भी हम देखना चाहेंगे, सभी ब्रांड जितनी भी कंपनी, कस्टमर के पास कोई भी फ़ोन हो देखिए हर तरह की कंपनी इसमें देखने को मिल जाएगी। और ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल के केस में नहीं है। एक मिनट बैक कीजिए, और कौन सा है, जैसे टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो टैबलेट के भी जितने मॉडल आते हैं, जिस कंपनी के आते हैं। और आगे गजेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए, क्या क्या हो सकता है। वॉचेस हैं, हेडफोन्स हैं, कैमरा है, कैमरा लेंस के लिए लगाने के लिए है, गेम मशीन के लिए है, आप कार के स्पीडोमीटर पे लगा सकते हैं या म्यूजिक थिएटर पे लगा सकते हैं, वॉकी टॉकी पे लगा सकते हैं, आप अपने ATM कार्ड डेबिट कार्ड पे लगा सकते हैं, आप बाइक की स्पीडोमीटर पे लगा सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई साइज हो जो रेक्टेंगल में हो लेकिन आप उसको कट करके नहीं लगा सकते हैं तो इस मशीन के थ्रू आप साइज और विद, मतलब कि मान लीजिए किसी की कार का टैबलेट का साइज वो अपने स्केल से नापेंगे, बिल्कुल यहाँ पर वो साइज डालेंगे, उसी के साइज का गार्ड कट के आ जाएगा, बिल्कुल कट करके आ जाएगा और आप हाथ से लगा के उनको दे सकते हैं। राउंड साइड में अगर कोई चीज है जिसका आपको कुछ गार्ड नहीं मिल रहा है तो उसका भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज और विद सिर्फ आपको चेंज करनी है और उसको कट करके आप लगा सकते हैं। तो ये एक ही मशीन आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। ठीक है, अगर मैं कुछ लाइव डेमो देखना चाहूँ, आपके पास कुछ वॉचेज हो जिसपे आपने कर रखा हो या कोई फोन है तो वो मेरे को दिखाई, जैसे कि वॉचेज पे आप क्लोजअप लेंगे अजीत जी एक बार, तो ये देखिए वॉच के ऊपर आपके इस तरह के डिज़ाइन हम देख पा रहे हैं, ये इस मशीन के द्वारा किया गया है। इस मशीन के द्वारा टेम्पर ग्लास से ये डिज़ाइन कट कर लिया गया है, साइड में या कहीं पर भी ये सारी चीज़ें इस तरीके से लगा दी गई है। और कोई हो गया, फोन का हो गया, ये देखिए, अच्छा ये फ़ोन के बैक कवर ये प्रिंट करके, और ये और फ्रंट का जो ग्लास देख रहे हैं, पहले तो क्या था ये ग्लास बना बनाया आता था, बट एक पूरी फिल्म होती है A4 साइज़ की, उसमें इसमें डाला और इस साइज़ का कटिंग इस फ़ोन का कट के सामने आ गया। ये एप्पल का ये देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार ये दिखाई दे रहे हैं, पीछे का बैक, मतलब बैक आगे का, कैमरे का कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई, घड़ी हो गया, कैमरा हो गया, गाड़ी होगी, बाइक हो गया। कई बार क्या होता है कि मेरे पास सपोज ये माइक है, इस माइक में यहाँ पर स्क्रैच लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि इसका इतना इतना हम कटिंग करवाएंगे, कस्टमाइज साइज है इसमें, और वो सेफ हो जाएगा, मतलब कि स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आपकी जो मेन चीज आप सेफ्टी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये बताइए ये काम करते कैसे, इसके लिए क्या कोई फिल्म या सीट आती है? बिल्कुल आती है, इसके लिए फिल्म आती है 7 इंच से स्टार्टिंग है, जिसमें ये 3D डिजाइन हो गए, प्रो इलाइट हो गए, या इसमें टेक्सचर के साथ हो गए, 3D इंग्रेविंग डिज़ाइन हो गई। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ये सीट है, यहाँ पर हम अभी लाइव डेमो भी दिखाएंगे सर, यहाँ पर रखेंगे और इसमें हमने जिस भी मोबाइल का, आईफोन का या सैमसंग का, एयरटेल का, जो भी है उसका रखा, तो उसी शेप में ये कटिंग होके आ जाएगा और मोबाइल के पीछे हम चिपका, बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा। ये जो अपन देख रहे हैं ये है बैक स्किन, एक्चुअली जो फोन के पीछे में लगने के लिए है। ठीक है, ये सारी बैक के लिए है, उसमें कम से कम 400 से 500 डिजाइनिंग अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, और अगर फ्रंट में जाएंगे क्लियर आएगा, मैट आएगा, एंटी ब्लूर आएगा, प्राइवेसी आएगा, उसमें 4 वैरायटी अपने पास है। अगर आप क्लियर और मैट को चाहे तो बैक साइड भी लगा सकते हैं, बाकी एंटी ब्लूर और प्राइवेसी मैक्सिमम आप फ्रंट को ही प्रीफर करेंगे। ये हो गया 7 इंच के लिए, जो फोन साइज के लिए, टैबलेट साइज के लिए भी अपने पास अवेलेबल है, मैक्सिमम 11 इंच तक के टैबलेट साइज के लिए, गाड़ी के स्क्रीन पे लगाना है, गाड़ी के स्क्रीन के लिए भी आप कार के लिए, बाइक के स्पीडोमीटर के लिए आप यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ स्किन परचेज करनी है और जो भी गैजेट्स पे आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्किन की सर, तो यहाँ पर जो फिल्म हम देख पा रहे हैं ये कितने रुपए से स्टार्ट होके कितने रुपए तक जाती है? इसका अगर अपन प्राइसिंग देखें 50+ GST से स्टार्ट है और 200 रुपए तक की फिल्म की क्वालिटी अपने पास अवेलेबल है। 59 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। यस, अच्छा अब बात करते हैं, ये आपने बताया दोस्तों 59 रुपीज का आपका जो फिल्म पड़ेगा, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या पड़ती होगी अगर किसी को रीसेल करनी है तो? नहीं, जैसे ये तो 50, सपोज किसी ने ले लिया 59 या 100 रुपीज, बराबर जब वो इसे प्रिंट या कुछ करेगा, इसमें इंक या कुछ ऐसा कुछ भी डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्लग इन करना है और मशीन को वाईफाई मोड पे डाल दो। ठीक है, जो भी करेगा मशीन ऑटोमेटिक कट करके आपको दे देगी, इसमें कोई इंक चाहिए ना कोई आपको लेजर चाहिए। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको वाईफाई कनेक्शन चाहिए और अच्छा सा एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग सॉकेट चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि सर सपोज ये 100 रुपीज का, मैं मान के चलता हूँ जो भी इसकी कॉस्ट है, तो ये फिर कितने का बिकता होगा? मान लीजिए कस्टमर को जब देंगे तो क्या कॉस्टिंग निकल के आएगी इसका? मिनिमम अगर आप रीसेल देख रहे हैं तो मार्केट में 250-500 रेट में भी बिकता है।
अगर किसी का काउंटर आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे है, तो वो बंदे 1000 रुपए में भी बेच रहा है। कोई अच्छा शोरूम है तो वो 500 में भी बेच रहा है। कोई मार्केट में रिटेल में बैठा हुआ है तो 300 से 250 रुपए में भी बिकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 गुना आपको मुनाफा मिल रहा है सर। ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, वो बैठे कहाँ है। बिल्कुल, आपकी कॉस्टिंग आपको जो भी पड़ी है 50 रुपए 60 रुपए, अब आपको मार्जिन कितना ऐड करना है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें खर्चा क्या है, मेंटेनेंस क्या क्या बदलना पड़ता है इसमें? ज्यादा कुछ भी बदलने का जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ मशीन खरीदना है आपको और फिल्म परचेज करना है, ठीक है। 200 से 300 मशीन स्टिकर अगर आपने कट कर दिए, एक छोटा सा नीडल आता है, थोड़ा नजदीक आ जाइए जी, 200 ये कट करने के बाद, अगर आपने फिल्म 250 से 300 कट कर दिए, उसके बाद में एक छोटा सा नीडल आएगा, आप प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाएगा, दिखाइए, छोटा सा नीडल है, ठीक, यही पूरा काम करती है, ठीक है। ये सिर्फ बदलना पड़ेगा, यही सिर्फ आपको बदलना है, इसको बोलेंगे नीडल। अगर आप इसको चेंज करना है तो वापस इसको प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? इसकी कॉस्टिंग ओनली 200 रुपीज आती है, 200 रुपए की आती है, और ये लगभग 200 से 300 जो आपकी फिल्म है वो कट कर देती है, ठीक है। यही एक मेंटेनेंस है, बाकी कुछ इसमें नहीं है, कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है मशीन? इसकी 6 मंथ की वारंटी रहती है, 6 मंथ की वारंटी रहती है, और उसके लिए अपने टेक्निकल टीम भी इसके लिए 12 घंटे ऑफिस टाइम के हिसाब से अवेलेबल रहती है। और इसका बात करते हैं, जो ऑडियंस भी वेट कर रही है, इस छोटी सी मशीन का प्राइस क्या हुआ सर? इसका प्राइस है अभी 30,000 प्लस GST सर। 30,000 प्लस GST, 30,000 प्लस GST है सर, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक मशीन आपको, अगर मान लीजिए आपका पहले से मोबाइल एसेसरीज का काम है, फिर तो सारी चीजें आपके पास होगी, मशीन बाय करनी है। बिल्कुल, नया सेटअप है तो एक मशीन की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, कुछ फिल्म बाय करनी पड़ेंगी। और एक एक गन कितने की आती होगी सर? ये 600 रुपए मार्केट में अवेलेबल है, 600 रुपए। तो अभी हम आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं ये मोबाइल। यहाँ पर हमारे जो ड्रोन एक्सपर्ट है नवदीप जी, तो उनका यहाँ पर फोन रखा हुआ है, इसके ऊपर ये पीछे का और फ्रंट का जो भी है, इसके ऊपर हम कटिंग करके इस मशीन से किस तरीके से लगा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, वो आपको पूरा डेमो दिखा। जरूर जरूर, चलिए। जैसे कि अपन ये अब स्किन आपने सेलेक्ट की है, तो ये स्किन लगाने जा रहे हैं। रखना कैसे है पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंसर दे रखे हैं, ऑटोमेटिक सेंसर, आप यहाँ पर रखेंगे मशीन अंदर खींच लेगी, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका अलाइनमेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो पीछे एक हैंडल दे रखा है जो मैन्युअली आप नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं फिल्म को, ठीक है। अगर बराबर लगा है तो इसको आपको छेड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और वापस उसको ऊपर कर दीजिए। अब आप जाइए मॉडल पे, मोबाइल में उनका क्या मॉडल है, वीवो में V15 Pro आप बता रहे हैं, तो V15 Pro आप सर्च कर लीजिए, V15 Pro, ये आ गया V15 Pro अपना। इसमें बैक में कौन सा डिज़ाइन आपको कट करना है वो अपन कट कर लेंगे। जैसे अगर ये कट करना है तो ये वाला कटिंग कर सकते हैं, ये चाहिए आपको फुल में तो ये कटिंग कर लेंगे। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो कस्टमर को नीड है वो कटिंग अपन कर सकते हैं। जैसे अपन ये कटिंग के लिए जा रहे हैं तो स्टार्ट कटिंग प्रेस करेंगे, मशीन अपना काम चालू कर देगी। जैसे ये कट हो गया, 15 से 20 सेकंड में बाहर आ गया, स्किन आपका कट हो गया है। अब आपको जिस फ़ोन पे लगाना है उस फ़ोन को एक बार क्लीन कर लो कपड़े से, कुछ भी ग्लू लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ कपड़े से अच्छे से पोंछ लो इसको। स्किन उठाइए, स्किन की कटिंग देख लीजिए, ये स्किन अपनी कट हो गया, हाथ में आ गई है, तो इसको सिर्फ अलाइनमेंट करके आप लगाना रहा। स्क्रैपर से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिए, जहाँ जहाँ होल आने एक्स्ट्रा स्टिकर आप निकाल दीजिए, ताकि वो आपका कैमरा कवर ना करे। स्पीकर हो गया, आपका माइक हो गया, ये लो जी रेडी हो गया आपका पूरा। ये देखिए दोस्तों,
हो सकता है 19-20 को उस चीज़ का फ़र्क पड़े, क्योंकि डेली रेगुलर जब आप किसी चीज़ को गार्ड को लगाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये देखिए पहले का फ़ोन आप देख पा रहे थे और अब का फ़ोन आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें फ्रंट का भी कटिंग हो सकता है, और ये आपने बैक का देखा, अभी फ्रंट का भी आपको दिखा देते हैं कि आपको स्पेशल अलग से गार्ड को रखने की जरूरत नहीं है, जो आप स्क्रीन गार्ड रखते थे तो वो भी हम कटिंग करते हैं जल्दी से। सिंपल, जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे मशीन ऑटोमेटिक उसको अंदर खींच लेगी। अब आपको आना है वापस मशीन की स्क्रीन पे, जो एंड्रॉयड स्क्रीन दे रखी है मशीन में। इसका एक यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको कोई भी अलग से दूसरा गैजेट्स या फ़ोन मशीन के साथ लगा के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन के साथ ही आपको स्क्रीन मिल रही है, पूरा काम आपकी मशीन की स्क्रीन ही करेगी। जैसे अब आपको V15 Pro का फ्रंट का स्क्रीन कट करना है, इसमें 4 से 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो स्क्रीन साइज सेलेक्ट करो और कटिंग कर दो, मशीन अपना काम 10 से 15 सेकेंड में करके आपको दे देगी। तो अभी इस मशीन से अपने बैक किया और इसी तरीके से फ्रंट भी कर सकते हैं, और यही काम आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, किसी भी गैजेट से, कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, जहां पर भी आपको लगता है स्क्रैच की दिक्कत आ सकती है, कट होके अपने हाथ में आ गया स्क्रीन विद इन सेकेंड्स, विद इन 10 to 15 सेकेंड। जो फ्रंट का स्क्रीन होता है उसमें 4 लेयर आते हैं, एक जो लेयर रहेगा वो वेस्ट जाएगा, उसको हटा दीजिए आप निकाल के, वो ये वाला लेयर है, ये वेस्ट जाएगा। बाकी बचे लेयर कैसे लगाने वो मैं बता देता हूँ आपको वीडियो में। स्क्रीन वापस एक बार पूछ लीजिए आप। अब जो अल्टीमेट गार्ड अल्ट्रा क्लियर जो नाम लिखा हुआ है उसको आप ऊपर रखना है और मेजरमेंट कर लीजिए कि स्क्रीन का कटिंग किस हिसाब से हो रखा है। तो ये अपर साइड है, ये डाउन साइड है, ये मैंने चेक कर लिया है, डिस्प्ले को क्लीन कर दिया है। अब मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ये मेजरमेंट कर दिया है, आप स्क्रीन के ऊपर रख दीजिए। छोटा सा सीजर रखिए, एक साइड से उठाइए स्क्रीन को, ये उठ गया आपका। इसमें 2 लेयर रहेंगे आपको, बीच में एक गैप रहेगा, इसके लिए आपको स्क्रैपर से इसको हटाना है, स्क्रैपर से धकेल दीजिए, एक्स्ट्रा जो नहीं वांटेड नहीं है वो लेयर बाहर निकल जाएगा इसका। सेम ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी करना है, स्क्रीन को उठाइए, वापस स्क्रैपर से धकेलिए, ये एक्स्ट्रा जो लेयर है जो अनवांटेड लिए वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद भी अपन ने अभी देखा वीडियो में कि 2 लेयर अपन ने निकाल दिए, एक फर्स्ट ये सेकंड, इसके बाद भी एक और लेयर ऊपर है, ये स्क्रीन कार्ड की 3rd लेयर थी और ये 4th लेयर जो स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है। बहुत बढ़िया, ये आप देख सकते हैं इसमें, देखिए आप मजबूती भी कितनी, उसमें आपको सिर्फ 1 टाइम वो लगा के दे देते हैं, इसमें 3 तो लेयर उतरी हैं, तो बहुत इसमें सिक्योरिटी भी कुछ ना कुछ, ये देखिए बिल्कुल नया फोन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे ही काम आप जो इस मशीन के अंदर अलग अलग फ्रेम आपको दिखाई, अलग अलग गैजेट आपको दिखाए, वहाँ पर आप कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन कहने का मतलब यही है कि अगर कस्टमर आ रहा है वो सिर्फ टेम्पर्ड के लिए आपके पास आ रहा है, तो आप उसको टेम्पर्ड के बदले स्क्रीन दीजिए, जो वेराइटी उसको चाहिए, क्लियर, मैट, एंटी ब्लू रे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दीजिए। और बैक केस भी आपके पास अगर पूछे, नहीं पूछे तो आप उसको स्क्रीन प्रमोट कीजिए, ये भी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है स्क्रीन का, तो वो आपको डबल बिजनेस देके जाएगा। 2 फायदे आपको देखने को मिल गए, आपका स्टॉक जो था वो डेड होने से बच गया, आपको नए नए मॉडल आते थे, नए नए स्क्रीन गार्ड खरीदने पड़ते थे, कुछ नहीं करना, यहाँ पर अच्छा अपडेट भी होता रहेगा, जो भी मॉडल अपडेट होगा सर, ऑटो अपडेट भी होता रहेगा, तो वो आपका बच गया है। और दूसरी, आप इसमें कई सारी चीजें कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऑटो अपडेट का एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, न्यू वर्जन अपडेट, न्यू ऑटोमेटिक डिडक्शन वर्जन, तो उसको ऑन करके रख दीजिए और मशीन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करके यूज कीजिए, जो भी नया अपडेट आएगा, नया अपडेट ऑटोमेटिक मशीन ले लेगी। एग्जांपल के लिए आईफोन में अपकमिंग्स मॉडल्स हैं iPhone 14, तो अपनी मशीन में ऑलरेडी इसके स्क्रीन के साइजेस आ रखे हैं, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max जो भी लॉन्च होने हैं इंडिया में, जो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऑलरेडी 30,000 से अधिक इसमें डाटाबेस है, और जो भी नए मॉडल आ रहे हैं इंडस्ट्री के, ऑटोमेटिक इसमें अपडेशन हो रहा है। तो वंस इन्वेस्टमेंट के साथ आप 4 से 5 गुना
इसमें अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो सिर्फ मोबाइल एसेसरीज रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जो नया बिजनेस नया स्टार्टअप कुछ देख रहे हैं सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप मिस मत कीजिए और जरूर इस वीडियो को देख के आप ये प्रोडक्ट परचेज करने का प्लान कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर, मान लीजिए जो इस मशीन को बाय करेगा तो क्या ट्रेनिंग में कैसे सपोर्ट रहेगा कि इसको चलाने में बदलने में कोई भी चीज? इसके लिए हमारे टेक्निकल टीम है, वो पूरी आपको सपोर्ट करेगी। कैसे अनबॉक्सिंग करना है, कैसे इसका लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं सेम उसी की तरह हमने इसका एंड्रॉइड डिस्प्ले दे रखा है, तो यूज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उसके लिए हमारी बैकअप में टेक्निकल टीम ऑलवेज रेडी है। मैंने सपोज सर ये मशीन को बाय कर लिया, अब बाय के बाद तो रॉ मेटेरियल की बारी आएगी, कभी मेरे को लैपटॉप के लिए फिल्म खरीदनी है, कभी मोबाइल के लिए, कभी वॉच के लिए, जो भी, तो उसमें फिर मिनिमम ऑर्डर कितने का लगाना पड़ेगा? आपकी कंपनी है चेन्नई में, हमारे सब्सक्राइबर हैं पूरे भारत में, तो कितने का ट्रांसपोर्ट या जो भी मिनिमम ऑर्डर कितने का रहेगा? अगर आपका मिनिमम अगर ऑर्डर आप पूछ रहे हैं तो मिनिमम 50 स्किन आपका मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, 50 पीस का आपका ऑर्डर होना चाहिए। हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर विदेशों में भी अपना माल जाता है। ठीक है, तो वो भी आप बेफिक्र रहिए कि ये नहीं कि कोई मोटे अमाउंट में आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, एक छोटे से अमाउंट के बाद दोबारा आप आपने मशीन खरीद लिया है तो फिर उसका स्किन देने की जिम्मेदारी हमारी है। मिनिमम आप अपना ऑर्डर 50 पीस का रखिए ताकि हमें भी कोरियर करने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, जैसे अगर कोई नया सेटअप करना चाहे इस मशीन का, जो मशीन का कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में, अगर कोई नया सेटअप करके अगर कितना अर्न कर सकता है, अगर कोई ऑलरेडी किसी का मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है या कोई नया बंदा जुड़ के नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो अगर आप एवरेजली अगर पकड़ के चले 10 से 15 स्किन अगर वो डेली का कट कर रहा है और वो अपना सारा खर्चा और निकाल के 100 रुपये भी अगर वो मार्जिन के साथ काम कर रहा है, तो महीने का पकड़ के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये का वो बिजनेस उससे कर लेगा। अगर वो संडे महीने के 3 से 4 संडे भी अगर नहीं आ रहा है और उसके अलावा भी अगर वो बिजनेस कर रहा है तो 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से वो कमा सकता है। ये सारा प्रॉफिट मार्जिन उनकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा उनके सेल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना सेल कर पा रहे हैं और डेली उनका कितना रूटीन है। अगर चाहें तो आप 50 से 60 भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 1.5 से 2 लाख भी कर सकते हैं, वो आपकी सेल्स कैपेसिटी पे और आपका कितना सेल्स हो रहा है, मशीन में कितना रेगुलरली फिल्म कटिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप फ़ोन की कटिंग कर रहे हैं या बाइक के लिए कटिंग कर रहे हैं या टैबलेट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम आप उस पे सेल पे आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है सर। दोस्तों, गजेंद्र जी ने हमें शानदार जानकारी दी इस वीडियो के अंदर इस मशीन के बारे में, अल्टीमेट गार्ड कटिंग मशीन के बारे में। अब मैं इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंच चुका हूं, बड़े लेवल की कंपनी है, तो यहां पर आप देख पाएंगे इनका टेलीकॉलिंग एरिया देख पा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर बैठती हैं स्टाफ, और इस साइड में अगर आप देख पाएंगे तो डिजिटल टीम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस साइड में अगर कैमरा घुमाएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगी, और उस साइड की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो वहाँ पर अकाउंट ब्रांच एरिया, मतलब पूरा सिस्टम से काम किया जाता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। अकाउंट ब्रांच एरिया देख पा रहे हैं कि अकाउंट जो भी आप पेमेंट भेजते हैं उसको मैनेज करना, आपको पूरा ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है कि कहाँ तक चीज़ें आपकी पहुँच चुकी हैं, कहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच चुके हैं, तो आप बेझिझक ओके कंपनी विजिट कर सकते हैं, अपने काम को स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये यहाँ पर डिजाइनिंग टीम बैठी हुई है कि किस तरह के डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चले हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको कॉर्पोरेट एरिया दिखाया, वो इनका शोरूम एरिया था कि जब भी क्लाइंट आता है तो वहाँ पर विजिट करते हैं और आप अपनी तसल्ली के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको एक यूनिक मशीन, यूनिक प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, जहां पर आप अपने तरह तरह की चीज़ों के ऊपर स्क्रैच लगने से बचा सकते हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कार, बाइक, कोई भी ऐसी चीज़ स्क्रीन, तो वो इस छोटी सी मशीन के द्वारा आपको फ़ायदा मिल सकता है। 30,000+ GST सर ने इसकी वैल्यू बताई थी। सबसे अच्छी बात, आपका स्टॉक डेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको टेम्पर ग्लास जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं, इससे कटिंग हो जाएंगी, लैपटॉप का हो, किसी भी चीज़ का हुआ, तो स्टॉक के अभी झंझट आपका खत्म हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर मैं कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस आपको दे रहा हूं, आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, पहले पूरी तसल्ली करें उसके बाद बिजनेस घुसे। और चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।